हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। जितने भी लोग यहां पे सदन को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल विजिबल? क्या आप सभी लोग प्रॉपरली मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। अ वेरी गुड इवनिंग राहुल, क्षितिज, कल्पना, कल्पेश, रवि, आई एम गुड, निखिल, हाउ आर यू? आप कैसे हो? अ वेरी गुड इवनिंग असित, आपके बैच में सिर्फ आप हैं, क्या हुआ? आपके बैच में क्या हुआ? सब लोग संडे मना रहे हैं क्या? एग्जाम पास में लोग संडे कैसे मना सकते हैं यार? हाँ, अभी मैं भी संडे कहाँ मना रहा हूँ, है ना? तो आप लोग अपने ग्रुप में एक बार इन्फॉर्म कर दो असित कि क्लास स्टार्ट हो गई है ना? एक बार आप लोग इन्फॉर्म कर दो क्लास स्टार्ट हो गई है। कल्पेश आप भी मैसेज कर दीजिए अपने ग्रुप में और असित आप भी मैसेज कर दीजिए। चलो तो जल्दी से, मैं 2 मिनट का वेट कर रहा हूँ, है ना? आप लोग ग्रुप में मैसेज करो, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूँ। और एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो भी कंफर्म कर देंगे, एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो भी कंफर्म कर देंगे। सब कुछ क्लियर है? अ वेरी गुड इवनिंग दीपेंद्र। चलो तो मैं क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ ना। पहला क्वेश्चन आपके सेशन के लिए, जो आज की क्लास के लिए रहा, वो ये रहा, ठीक है? जो पहला क्वेश्चन आज के सेशन के लिए आपका रहेगा वो ये। सभी लोग क्वेश्चन को देख लो प्रॉपर तरीके से और आंसर करो सभी लोग, है ना? जितने भी लोग हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि हमारे पास व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज हैविंग अ पीक वैल्यू ऑफ 25 वोल्ट। मतलब आपके पास एक डीसी वोल्टेज है जिसका पीक वैल्यू कितना है आपके पास? 25, ठीक है ना? जिसका पीक वैल्यू कितना आपके पास क्वेश्चन में दिया है, That is 25 वोल्ट। तो उसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, यही तो क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, डीसी सप्लाई के लिए, डीसी के लिए आपका पीक वैल्यू मतलब वीपी, इसका एवरेज वैल्यू वी एवरेज और इसका वी आरएमएस, सब कुछ तीनों ही वैल्यू आपस में बराबर होती है। तो मतलब अगर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सी वैल्यू, पीक वैल्यू, और हमसे पूछ रहा है एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो हम बिना कुछ सोचे समझे बता दें कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना? ज्यादा हमको सोचना नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम बोलेंगे कि हमको ये पता है, हमको ये बड़े अच्छे से पता है कि कोई भी डीसी वोल्टेज है, डीसी वेव फॉर्म है, उसका हमारा पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, तीनों की तीनों वैल्यू बराबर होती है, ठीक है? ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोलना चाह रहा आपने। द वेव फॉर्म गिवन इन द फिगर बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश वेव फॉर्म। क्वेश्चन बोला गया कि आपके सामने जो यहाँ पे वेव फॉर्म दिख रही है ना, इस टाइप की जो वेव फॉर्म है, जिग जैग फॉर्म में है, आप लोग प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हो, इस वेव फॉर्म का नाम क्या, आपको ये बताना। ऑब्वियसली बात है, अगर आप इलिमिनेशन मेथड से जहाँ से नहीं भी बनता क्वेश्चन, तो हमको पता है कि साइनोसॉइडल तो नहीं हो सकता, हमने बहुत बार देखा है। रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म आपकी ऐसी कुछ होती है, तो ये भी हमारा रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म भी नहीं है, ठीक है ना? हमारी स्क्वायर वेवफॉर्म भी नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी विच वन, आपका सॉटूथ वेवफॉर्म, ठीक है ना? इसको हम आपका स्वीप सिग्नल भी बोलते हैं, अगर आपको ध्यान से समझना हो तो इसको हम लोग स्वीप सिग्नल भी बोलते हैं, स्वीप वेवफॉर्म भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे स्वीप ऑप्शन नहीं है, अगर होता तो आप वो भी बोल सकते थे, सॉटूथ या फिर स्वीप, दोनों ही हमारा आंसर हो सकता है। सर ये ट्रायंगुलर हो सकता है क्या? ट्रायंगुलर नहीं बोलेंगे, ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्जैक्टनेस ऐसी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा आप प्रॉपर तरीके समझोगे ना, ये इस टाइप का वेवफॉर्म है ना, मतलब ट्रायंगुलर इस टाइप का होता है, मैं आपको प्रॉपर तरीके बता देता हूँ। ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आपका ऐसा कुछ हो, ये
अगर ऐसा होता तो हम बोल देते ट्रेंगुलर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, जो यहाँ पे वेव फॉर्म दिया वो थोड़ा नीचे आया है, देखो ना यहाँ से स्टार्ट हुआ ये नीचे आ रहा, इसलिए मैं इसको ट्रेंगुलर तो नहीं बोलूंगा। अगर नहीं होता स्कॉट टूथ और ट्रेंगुलर, ट्रेंगुलर टिक करते भाई, लेकिन अभी की जो रेस में जो हम देख पा रहे हैं तो सॉ टूथ इज द बेटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ सभी, इस क्वेश्चन को देखो और बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन में बोला गया है अ स्टोव एलिमेंट ड्रॉ 15 एम्पीयर, एक स्टोव है और आपको पता हो या ना पता हो मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टोव होता है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, आपका रजिस्टिव होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि एक रजिस्टिव स्टोव है जिसमें कितनी करंट है आपके पास 15 एम्पीयर, व्हेन कनेक्टेड टू 230 वोल्ट लाइन, 230 वोल्ट लाइन से कनेक्ट करते हैं, हाउ डज इट टेक टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। आप सभी को पता है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, 1000 वॉट आर, ठीक है ना, ये हमारा होता है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसको हम किसके बराबर बोलते हैं, वी आई कॉस पाई इंटू टी, यही बोलते हैं ना। तो हमको क्या करना है, कॉस पाई की वैल्यू हो जाएगी 1, क्यों हो जाएगी 1, ये आपको समझना पड़ेगा बड़े कॉमन सेंस की, रेजिस्टिव नेचर है तो कॉस पाई की वैल्यू बन जाती है आपके पास यहाँ पे 1। वोल्टेज आपको दिया 230, करंट दिया आपके सामने 15, और यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे 1000, तो अब आपको निकालना है क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू, टाइम कितना हो जाएगा सॉल्व करके देख लो, 1000 डिवाइड बाय 230 इंटू 15, ठीक है ना। तो इसको एक काम करते हैं, कैसे सिंपलीफाई करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ अप्रोक्सीमेशन, मैंने बहुत बार बताया आपको कि अप्रोक्सीमेशन आपको बहुत काम करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 23, मैं 23 ने मान लो 20 मान लू, चलेगा बिल्कुल चलेगा, जब मैं इसको 20 मान रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 20 25 100, कितना बचाएगा 5/15, और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो जो आंसर आएगा वो 0.15 या 45, 0.3 के आसपास आंसर आना चाहिए, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ बड़े आराम से पूछता हूँ आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 0.2 में। क्या मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया, नहीं, अप्रोक्सीमेशन किया, मुझे टाइम क्यों लगा मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब खुद से ये प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको एग्जाम में किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, तो आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है ना भाई। ओके चल आ जाओ फिर से इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है टेस्ला इज सेम एज, आप सभी को बता दूं मैं टेस्ला किसकी यूनिट होती है, तो टेस्ला आपकी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता क्या है, तो क्या होता है फ्लक्स अपॉन एरिया, और फ्लक्स अपॉन ये मतलब क्या, वेबर पर मीटर स्क्वेयर, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको पता हो जाएगा यहाँ पे बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आशीष, बहुत बढ़िया विद्युत प्रभा, ठीक है। ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम पे ज्वाइन किया करिए सभी ना, लेट मत किया करिए, है ना, मैं ज्यादा वेट नहीं करता हूं, आपको पता भी है ये चीज। इस क्वेश्चन को देखो और आंसर करो सभी लोग, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, डज मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डज द इलेक्ट्रिक करेंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या हमारा इलेक्ट्रिक करेंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये क्वेश्चन है, और चार ऑप्शन को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन नो, ओनली लार्ज करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी नो, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड आयरन कोर, ऑप्शन सी नो, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉइल, ऑप्शन डी यस, इलेक्ट्रिक करेंट ऑलवेज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, तो अभिषेक ने किया है डी, असित ने किया है डी, और विद्युत पावर ने भी किया है डी, और डी इसका करेक्ट आंसर भी है, ठीक है ना,
डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप बिल्कुल समझ के रखिए कि हमारा जो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ऐसा कभी मत बोलना कि लार्ज करंट सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज करंट एज वेल एज स्मॉल करंट विल ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना जो हम लोग पीएमएमसी एमआई ईडीएम पढ़ते हैं, इतनी कम करंट हम वहां पे पास करें तभी मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होता है। मतलब स्मॉल करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। हमने जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है वहां पे एयर कोर यूज किया था, तब भी वहां भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था, कम हुआ लेकिन क्रिएट तो हुआ था। तो ये तो बोलना गलत कि सिर्फ आयरन कोर में होगा, हमारे एयर कोर में भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता। ऑप्शन सी में क्या बोला था, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कॉइल। अरे भाई आप लोग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हो, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम का जो पढ़ते हो, तो वहां पे कॉइल थोड़ी ना, वहां पे कंडक्टर है, तो वहां पे भी ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है ना, तभी तो आपका इंडक्टेंस का इफेक्ट आया था वहां पे। तो ये चीज आपको समझनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो हमेशा आता है करेंट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयरिंग अ मैग्नेटिक सर्किट, हम मैग्नेटिक सर्किट को कंपेयर कर रहे हैं विथ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द इक्विवेलेंट फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है ना, और मैग्नेटिक सर्किट को कंपेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता। बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है यार, मैंने एक बार नहीं हजार बार बताया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आई थिंक सबको पता होगा, अभिषेक ने तो क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर कर दिया, बिल्कुल सही किया। जैसे आपको पता होगा ना कि हमारे पास, जैसे मान लो कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल यहाँ पे सर्किट, ये आपके पास होता है वोल्टेज, ये होता है आपका रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे फ्लो होती है आपका करंट, हाँ या ना। ये होता है मेरे पास कौन सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये होता है मेरे पास कौन सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, यहाँ पे होता है मेरे पास एमएमएफ, यहाँ पे ईएमएफ की जगह क्या होता है मेरे पास यहाँ पे एमएमएफ, ठीक है। और जो यहाँ पे होता है मेरे पास वो होता है रिलक्टेंस, क्या होता है मेरे पास यहाँ पे, वहां पे होता है रेजिस्टेंस, यहाँ पे होता है रिलक्टेंस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या सेटअप होता है, फ्लक्स सेटअप, जैसे यहाँ पे करंट होती है वहां पे फ्लक्स होता है। यहाँ पे करंट का फॉर्मूला क्या था, वी अपॉन आर, वैसे यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है ना। तो याद रखना एमएमएफ का ड्यूअल होता है या फिर आपका इक्विवेलेंट होगा ईएमएफ, फ्लक्स का होता है करंट और रेजिस्टेंस का होता है रिलक्टेंस। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा करंट इन द लाइन, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेगर, मेगर के बारे में बताना है। चार स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, चार में से कोई एक स्टेटमेंट सही होगा। ऑप्शन ए, मेगर इज यूज टू द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। ये क्या बात हुई यार, वोल्टेज को कैसे मेजर कर सकता, तो ए ऑप्शन तो गलत है। मेगर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, गलत। एनालॉगस एंड रेसिप्रोकल में डिफरेंट है, रेसिप्रोकल नहीं बोलेंगे, डुअल बोलेंगे, है ना। एनालॉजी एंड डुअल हम सेम बोल सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज। रेसिप्रोकल तो अलग हो जाएगा, रेसिप्रोकल हम नहीं बोलेंगे। मेगर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी, मेगर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ इंसुलेशन। तो मैं एक बात आपको पहले बताऊंगा, यहां पे आप क्वेश्चन में ये इंसुलेशन देख के तुरंत टिक मत कर देना आंसर, क्योंकि ये ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात कर रहा है, तो जो कि हमारा मेगर मेजर नहीं करता, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये दोनों हमारे आंसर नहीं होंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए होता है, इंसुलेशन में ब्रेक डाउन वोल्टेज मेजरमेंट नहीं करता भाई, ये इस बेवकूफी मत रहिएगा, ठीक है ना। मेगर इंसुलेशन के ब्रेक डाउन वोल्टेज को रीड नहीं करता है, मेगर इज ओनली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस याद रखो, मेगर इज अ रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेक्निक, नॉट अ वोल्टेज मेजरमेंट टेक्निक, ठीक है। ओके, फिर आ जाओ, देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। आपके पास एक कॉइल है, ठीक है ना, आपके पास एक कॉइल है, उस कॉइल का आपको इंडक्टेंस मेजर करना है, तो कौन सा ऐसा ब्रिज है जिसका आप यूज कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है, शेयरिंग ब्रिज आपका कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए होता है, वेन ब्रिज आपका फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट के लिए होता है, और जो ओवंस ब्रिज है वो आपका यूज होता है इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। और किस प्रकार का इंडक्टेंस, आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है, इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए। इसमें देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इन थ्री फेस इंडक्शन मोटर द रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू डैश डैश जीरो। ये आपको पता होना चाहिए, रिलेटिव स्पीड स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच की जीरो होती है। तो क्योंकि हमसे यहाँ पे जीरो पूछा गया है, तो हम बड़े आसानी के साथ ही बता पाएंगे कि हमारी जो रिलेटिव स्पीड होती है स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच की क्या होती है, जीरो होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ यूनिवर्सल मोटर कैन रन ऑन, हमारा जो यूनिवर्सल मोटर होता है वो किसमें काम करता है। ऑप्शन ए एसी मोटर, या फिर एसी ओनली, डीसी ओनली, आइदर एसी और डीसी, नन ऑफ दीज। तो क्या बोलोगे आप इसका आंसर, यूनिवर्सल मोटर किस पे काम करती है ना, कैन रन ऑन। यूनिवर्सल मोटर हमारी या तो एसी या तो डीसी दोनों में से किसी भी चीज पे काम कर सकती है, ठीक है ना। जनरली ये जो मोटर है वो आपके ब्लोवर्स वगैरह में यूज होती है ना, रेफ्रिजरेशन में इसका यूज होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, एसी डीसी दोनों में ये मोटर काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रिफर्ड फॉर टेप रिकॉर्डर्स। जो हमारे टेप रिकॉर्डर्स होते हैं आज के जमाने वाले, पहले जमाने में जो हम लोग टेप रिकॉर्डर देखते थे, तो उस टेप रिकॉर्डर के में हम लोग कौन सी मोटर यूज करते थे, है ना। जो पुराने जमाने में हमने देखा है टेप रिकॉर्डर, वो टेप रिकॉर्डर में हम कौन सी मोटर यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, टेप रिकॉर्डर मतलब ऐसा है, जैसे मान लो अंकित सर आपके बन गए सिंगर, आप ऐसा एग्जाम्पल एज्यूम करो, अंकित सर आपके बन गए सिंगर, उन्होंने 4 मिनट्स में कोई सॉन्ग गाया, 4 मिनट में कोई गाना गाया, ठीक है, कोई भी गाना 4 मिनट में गाया। अब उसको हमने टेप रिकॉर्डर में लगा दिए सुनने के लिए कि भाई गाना कैसा बज रहा है, उसके लिए हमने इसको टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। अब हम देखो ये 4 मिनट का है, अगर ये जो टेप रिकॉर्डर की जो यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे है ना, जो इसको मूव करने की जो स्पीड है, अगर वो स्पीड मेरी वॉइस से ज्यादा हो गई तो होगा क्या गाना, कि जो 4 मिनट का गाना है वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेगा, और वो चलेगा कैसे, जैसे कोई भी गाना हेलो मतलब थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब 4 मिनट का जो सॉन्ग है वो कितने मिनट में हो जाएगा आपका, 2 मिनट में, या वो तक अभी 6 मिनट में हो जाए, मतलब वॉइस फैल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, टेप रिकॉर्डर के लिए हम ये चाहते हैं कि वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चले। वो पॉसिबल होता है कब, वो पॉसिबल होता है आपके साथ कहां पे, जब हम लोग सिंक्रोनस मशीन पढ़े, है ना। तो सिंक्रोनस तो ऑप्शन है नहीं, सिंक्रोनस यूज कर भी नहीं पाएंगे, बहुत हैवी मशीन होती है। तो सिंक्रोनस का जो छोटा रूप, अगर हम सिंक्रोनस मोटर बोले तो कहीं ना कहीं उसका ही रूप होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हिस्टेरेसिस मोटर हमारी यहाँ पे यूज होती है, और इससे नॉइज भी नहीं आनी चाहिए, ये बात भी हमको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो नॉइज भी नहीं आना चाहिए, तो जो कंडीशंस है नॉइजलेस ऑपरेशन के लिए हमको हिस्टेरेसिस मोटर का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर आर यूज इन, ये मोटर कहाँ पे यूज होती है। तो क्या बोलोगे, होइस्ट, रोलिंग मिल्स, माइनिंग, रेफ्रिजरेशन। तो याद रखना, रेफ्रिजरेशन वर्क के लिए आप कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज करते हो, ठीक है।
इस क्वेश्चन को देखो क्या बोलना चाह रहा है। द टॉर्क डेवलप्ड इन डीसी सीरीज मोटर इन ए अनसेचुरेटेड, आप समझते हैं यहाँ पे भाई, अनसेचुरेटेड मैग्नेटिक फील्ड कंडीशन इज, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई, और जो फाई है वो प्रपोर्शनल होता है आई ए फॉर अनसेचुरेशन। जब सेचुरेशन हो गया तो कॉन्स्टेंट हो जाता है, जब सेचुरेट हो गया तो। और यहां पे बोला क्या गया, अनसेचुरेशन, जब अनसेचुरेशन तो फाई इज ऑलरेडी प्रोपोर्शनल टू आई ए, आई ए इंटू आई ए कितना हो जाएगा आई ए स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लोड करंट या फिर आर्मेचर करंट, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नहीं होगा, वो आपका आंसर होगा सी, ठीक है ना। समझ में आई अभी से ये बात आपको, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ डैश डैश इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्मो ईएमएफ इन द मेजरिंग सर्किट। मतलब अगर हम लोग कौन सी ऐसी चीज को मेजर करते हैं जिसमें हमको थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ की वजह से एरर देखने को मिलती है, ऐसा कौन सा मेजरमेंट आप कर रहे हो जिसमें थोड़ा सा भी जो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ आता है उसकी वजह से हमको एरर देखने को मिलती है या उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज होगी लो रेजिस्टेंस के केस में, है ना। मैंने आपको बताया था ये चीज, जब लो रेजिस्टेंस मेजर करते हो तो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस, लीड रेजिस्टेंस, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ का जो वोल्टेज है उसकी वजह से हमको एरर देखने को मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लो रेजिस्टेंस, बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देख लो क्या बोला जा रहा है भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो द सर्किट गिवन बिलो इज अ सर्किट ऑफ डैश डैश ब्रिज, मतलब आपको ब्रिज आइडेंटिफाई करना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर बनता है पर तब भी आप समझ सकते हो कैसे, इलिमिनेशन मेथड कैसे। देखो पहली बात है, यहाँ पे व्हीट स्टोन सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए होता है, यहाँ पे हमको खुला खुला इंडक्टर दिख रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो एंडरसन केल्विन डबल, देखो केल्विन डबल इक्विवेलेंट दो ब्रिज बनने भी चाहिए, दो ब्रिज हमको दिख ही नहीं रहे तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर एक है एंडरसन, एक है आपका इंडक्टर। तो याद रखना एंडरसन ब्रिज के लिए हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस यूज करते थे, अगर आपने थोड़ा बहुत याद होगा तो। ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, ठीक है ना। तो ये जो करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। व्हाट टाइप ऑफ ब्रिज सर्किट इज यूज्ड टू मेजर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए आप कौन से ब्रिज का यूज करते हो, तो क्या बोलोगे। अगर आपको इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को मेजर करना है तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ओनली एसी ब्रिज, डीसी ब्रिज ओनली यूज फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल शोज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म वो होते हैं जो मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता, या फिर आप इसको ऐसे समझो पैरामैग्नेटिज्म, पैरा जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उन्हीं में पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है, और इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है ना वो पॉजिटिव होती है, इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है और नियर टू वन होती है। तो अगर मैं देखूं तो उनमें से कॉपर तो कहीं भी नहीं हो सकता मेरा आंसर, ठीक है ना, आयरन भी हो सकता है और सिल्वर भी नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा टाइटेनियम। इस तरह के क्वेश्चन को आप याद रखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला नहीं है, है ना। आपको ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा कि जो टाइटेनियम है वही मेरा पैरामैग्नेटिक मटीरियल होता है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन बन जाते हैं, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एसएससी जेके एग्जाम में नहीं बना है, ये क्वेश्चन एसएससी जेके एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है। आई थिंक ये एसएससी 2017 का क्वेश्चन है जहां पे ये क्वेश्चन बना था, मुझे ईयर कंफर्म नहीं है बट ये क्वेश्चन एसएससी जेई का ही है, ये जरूर कंफर्म है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन अ रेडियो
हमारे पास जो रेडियो होते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं, अ गैंग कंडेंसर इज अ टाइप ऑफ, इन अ रेडियो अ गैंग कंडेंसर जो होता है मतलब कैपेसिटर, वो एक एयर कैपेसिटर होता है। तो याद रखना हमारे पास जो रेडियो में हम लोग जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो किस प्रकार का होता है, दैट इज अ एयर कैपेसिटर। मतलब गैंग कैपेसिटर मतलब एयर कैपेसिटर। एयर कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, दो प्लेट के बीच में, यहाँ पे बीच में क्या होगा आपका एयर होगा, क्योंकि एयर भी आपका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं आया, आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इन सॉरी अ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट विल हैव, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में आपके पास जैसे सीरीज सर्किट जो सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें करंट सेम होती है, वैसे ही यहां पे क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक सर्किट, तो यहां पे क्या सेम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सेम होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, हमारे पास सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में क्या सेम होता है, फ्लक्स सेम होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बता देता हूं। एन इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर शोन इन द फिगर बिलो, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। मतलब आपके पास यहां पे करंट पास हो रही है तो उसके हमको करंट के कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए बोथ मैग्नेटिक इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट तो होता है, और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है, करंट चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो वो मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करती ही करती है, और हमको पता है करंट पास होगी तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हमारे पास आई स्क्वायर आर टी हीट देखने को मिलती है। समझ में आई बात की नहीं आई, आ गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए। तो इतना रहा आज के बारे में, अगेन आज हमने 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, वो भी उन क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए 28 मिनट्स का टाइम लगा। आप खुद समझ सकते हो कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्या ये 10 मिनट में नहीं किए जा सकते, बड़े आराम से ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए 10 मिनट में किए जा सकते हैं। अगर 10 मिनट में ज्यादा बोल रहा हूं आप इसको 8 मिनट में कर सकते हो, है ना, 8 से 5 से 6 10 मिनट के बीच में आप बड़े आराम से इनको कर सकते हो। ठीक है ना, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। अपने दोस्तों को ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करिए, ठीक है ना, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी अच्छे से आसानी से हो जाए, बड़े आराम से इसको 5 मिनट में किया जा सकता है। मैं इसको देखो मैं इसको 28 मिनट में कर रहा हूँ, कब, क्वेश्चन को पढ़ भी रहा हूँ वर्बली, आप क्वेश्चन को एग्जाम में पढ़ते नहीं, आप सिर्फ दिमाग से पढ़ते हो, है ना, मैं वर्बली पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, तब जाके मैं यहाँ पे 28 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आप ये मान के चलिए कि बड़े आराम से 5 6 10 मिनट में आप लोग अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। अगर 20 क्वेश्चन को करने के लिए 6 मिनट लगे तो 100 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो कितने टाइम लगा, कितना टाइम लगेगा, काउंट कर लो आप खुद से, 24 से 25 मिनट, आधा घंटा, है ना, आधे घंटे में 30 मिनट में बड़े आराम से कर लोगे फिर आप, ठीक है ना, और उस तरह की आपकी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।